सकता है। अगर आपके पास में डेड फोन आता है और उसको चेक करना है कि वो किस तरह चालू होएगा या उसमें क्या प्रॉब्लम है ये चेक करना है, तो इसके लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करना पड़ेगा। ये सैमसंग का मॉडल है, सैमसंग J26 के बैटरी जो है वो बैटरी को चेक करना है। बैटरी के ऊपर ये देखना है कि इसका नॉर्मल वोल्टेज क्या है, 3.8 वोल्ट, और इसका जो है चार्ज वोल्टेज जो है 4.35 वोल्ट कैपेसिटी है। ये इसमें ये चीज़ देखने का मेन मकसद ये है कि ये बैटरी जब अपने पास में होती है और 0% चार्ज होती है तो ये बैटरी जो है 3.8 वोल्ट की होती है, उसमें उतना वोल्ट होता है 3.8 वोल्ट। अब यही बैटरी को उससे ज़्यादा चार्ज करना है, जैसे 3.8 वोल्ट ये बैटरी उतनी कैपेसिटी है तो इसको क्या करना है, इसको 4.35 वोल्ट चार्ज करना है कि मोबाइल जो है हमारा स्टार्ट हो सके। को जब चेक करना है तो ये दो चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें और उसी तरीके से चेक करें। मैं आपको मल्टीमीटर पे चेक करके बताता हूँ बैटरी कैसे चेक करना है, मल्टीमीटर से बैटरी किस तरह चेक करना है। देखिए मल्टीमीटर का यूज़ बता देता हूँ आपको। मल्टीमीटर जो है उस पे अगर बैटरी चेक करना है तो आपको जो है 20 वोल्टेज पे रखना पड़ेगा, और उसके बाद में अगर पीसीबी में कोई भी कनेक्शन को ट्रेस करना चाहते हो, कनेक्शन को निकालना चाहते हो, तो उसके लिए जो है ये बजर रेंज पे रखा जाएगा। बजर रेंज किस तरह चेक किया जाता है, बजर रेंज पे अगर सही है तो ये इस तरह से चेक किया जाता है, ये बजर रेंज पे क्लियर है। और उसके बाद में मैं अभी फ़िलहाल आपको बताने वाला हूँ कि बैटरी जो है किस तरह चेक की जाती है, बैटरी की स्टार्टिंग कैपेसिटी वोल्टेज कितनी है। ये स्टार्टिंग कैपेसिटी वोल्टेज है, ये जो है 3.8 वोल्ट की बैटरी से स्टार्ट होगी बैटरी, और इस ये बैटरी फुल होने के बाद में ये जो है 4.2 तक ये चार्ज होगी। ये बैटरी के ऊपर भी कैपेसिटी लिखी हुई है, ये बैटरी के ऊपर नॉर्मल वोल्टेज दिया हुआ है इसका 3.8 वोल्ट, और चार्ज वोल्टेज जो है इसका 4.35 दिया हुआ है। तो इसी बैटरी के बारे में आपको मैं वीडियो में बताया हूँ, तो आपको मैं चेक करके बताता हूँ कि बैटरी जो है किस तरह मल्टीमीटर पे चेक किया जाता है। इसको जो है मल्टीमीटर को 20 वोल्टेज पे रखना है। ये 20 वोल्टेज पे क्यों रखा जाता है इसके बारे में भी बता देता हूँ मैं आपको। ये जो हमारी बैटरी होती है, ये बैटरी 5 वोल्ट की ज़्यादा से ज़्यादा होती है, इसके लिए जो है ये इसका जो स्टार्टिंग जो है 2 वोल्ट है और इसका एंड जो है 20 वोल्ट है। तो हमारी जो बैटरी है वो 5 वोल्ट की है, तो 2 वोल्ट और 20 वोल्ट, 2 वोल्ट और 20 वोल्ट के अंडर आती है, उसके बीच में आती है। तो ये बैटरी जो है इसीलिए इसके ऊपर चेक किया जाता है। अभी मैं इसको चेक करता हूँ बैटरी में। ये देखिए ये प्लस पॉइंट है और ये माइनस है, तो मैं जो है प्रो को ये रेड जो है ये प्लस है और ये माइनस है, ये ब्लैक वाला प्रो माइनस है। मैं इसको इस तरह रख के चेक करता हूँ। ये इसको मैं जब चेक किया हूँ तो मल्टीमीटर पे देखिए आप, मल्टीमीटर में आपको दिखेगा कि कोई भी रीडिंग इसकी नहीं आ रही है। इसका मतलब ये बैटरी में कोई भी चार्ज नहीं है, ये बैटरी में कोई भी वोल्ट है ही नहीं। तो ये आगे चार्जिंग किस तरीके से करेगी, ये बैटरी चार्जिंग को सेव किस तरीके से करेगी, क्या क्या रखेगी। तो ये बैटरी या तो ख़राब हो सकती है या तो इसको बूस्ट करना पड़ेगा। बूस्ट करने पर चार्ज हो जाती है तो वो भी उसमें भी गारंटी नहीं है कि ये बैटरी चालू रहेगी, अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी। उसके बाद में आपको मैं ये बैटरी चेक करके बताता हूँ इसमें कितनी पावर है, कितना वोल्ट है, ये कितनी चार्ज है। ये देखिए सबसे पहली चीज़ जो है आपको 1, 2, 3, 4, 4 में से ये प्लस और ये माइनस पे लगा कर चेक करना है। ये प्लस और माइनस पे लगा के मैं जब चेक किया तो इसका डीसी करंट आ रहा है, इसका डीसी वोल्टेज आ रहा है 3.26, 3.26 आ रहा है। तो ये वोल्टेज जो है ये वोल्ट इसका जो है कम से कम कितना होना चाहिए ये
हम देखने वाले बैटरी के ऊपर देखेंगे। ये बैटरी के ऊपर ये देखिए, इसका नॉर्मल वोल्ट जो है 3.8 वोल्ट है, और इस ये जब बैटरी फुल हो जाएगी तो इसका चार्जिंग वोल्ट 4.35 वोल्ट है। तो अभी फ़िलहाल जो है ये बैटरी 3.26 है। अगर 3.26 बैटरी चार्ज है तो ये मोबाइल चालू नहीं होएगा, ये मोबाइल को चालू नहीं कर सकता है जब तक के ये 3.8 से ओवर नहीं जाती है, तो ये मोबाइल चालू नहीं करेगा। इसको बूस्ट करके 3.8 के ओवर इसको बैटरी को चार्ज करना है, और उसके बाद में आपको मोबाइल चालू करके चेक करना है। उसके बाद में ये बैटरी मैं चेक करता हूँ, इसमें देखेंगे इसका देखो पॉइंट साफ दिख रहा है। ये जो है ये प्लस है और ये माइनस है। ये रेड प्रो जो है मैं प्लस पे रखूँगा, और ये वाला ब्लैक वाला प्रो मैं माइनस पे रखूँगा। 3.66 है, मतलब 3.66 इसकी रीडिंग अगर आ रही है तो ये बात समझना है कि 3.80 चाहिए मेरे को, 3.80 चाहिए। अगर उससे ज़्यादा चार्ज करेंगे तो उसमें मोबाइल जो है कुछ परसेंटेज जो है चालू हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये बैटरी जो है ये मोबाइल को चालू नहीं कर पाएगी। और ये बैटरी भी चेक कर लेता हूँ, ये बैटरी 3.82 है, इसका मतलब ये जो है 3.80 से ओवर है, मतलब ये मोबाइल को चार्ज करने की कंडीशन में भी है और जो है मोबाइल को चालू करने की कंडीशन में भी